उपली की जिस युवती के कथित अपहरण की रिपोर्ट दर्ज हुई थी उसने कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने वही बयान दिया जो पुलिस को दिया था। पुलिस के मुताबिक युवती ने कोर्ट में कहा कि मैं इस मामले के आरोपी इरफान पिता मासूम शाह को जानती हूं, लेकिन उसके साथ नहीं गई थी। मेरे साथ अपहरण या अन्य कोई घटना घटित नहीं हुई है। परिवार वाले पढ़ाई पर अंकुश लगाना चाहते थे, इसलिए बिना बताए पढ़ने इंदौर गई थी। IH पुलिस थाना प्रभारी डी के जोशी ने बताया कि बयान प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में हुए। इसके बाद युवती को परिजन के सुपुर्द कर दिया। मामले की आगे जांच की जाएगी। 26 अगस्त को युवती के भाई ने IA थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि आरोपी इरफान शाह निवासी ग्राम सादाखेड़ी ने घर में घुसकर बहन का अपहरण किया तथा ज्वेलरी व रुपए लूट कर ले गया। इसी मामले में पुलिस ने आरोपी इरफान व युवती की तलाश की। 27 अगस्त को युवती अकेले इंदौर के YD नगर में एक किराए के कमरे में मिली जहां वह पढ़ाई के लिए रहती है। वहां से आने के बाद उसने पुलिस को बयान दिए थे कि मैं खुद पढ़ाई के लिए मर्जी से इंदौर गई थी, मेरा अपहरण नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट में बयान करवाए। यहां भी उसने वही बयान दर्ज करवाए हैं। पुलिस को दिए बयान और कोर्ट में दिए हुए बयान के बाद अब पुलिस इंदौर में युवती व आरोपी से जुड़े CCTV फुटेज खंगालेगी ताकि इससे घटना की वस्तुस्थिति सामने आ सके। तमाम जांच के बाद यदि युवती के भाई द्वारा दर्ज करवाई अपहरण की रिपोर्ट सही पाई जाती है तो आगे कार्यवाही होगी, अन्यथा प्रकरण का खात्मा भी काटा जा सकता है। हालांकि इसे लेकर पुलिस ने अभी कुछ स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन जांच की बात कही है।